मुझे मेरे मम्मी की तरफ जाना है, यह गुहार लगाता हुआ छोटा बच्चा लेकिन प्रशासन इस ओर आंख मिचोली करते दिख रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। यह व्यथा शाहिन अली इस बालक की है। बालक गए 3 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। देश में लॉकडाउन की घोषणा होते ही सारे देश में हाहाकार मच गया। दूसरे राज्य में काम के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए लोग विदेश के साथ अन्य राज्यों में लटके हुए हैं। अपने घर जाने के लिए निकले तब पुलिस प्रशासन के कड़ी सुरक्षा के चलते यह लोग जगह जगह लटक गए। 30 मार्च के दिन पुलिस लोगों द्वारा हिंगाट में भी ट्रक से अवैध प्रवासी पलायन करने वाले नागरिकों को स्थानबद्ध किया गया। इन नागरिकों की शहर के संत टुकड़ोजी वार्ड के कमला नेहरू स्कूल में निवास की व्यवस्था की गई। इसमें एक तिरुपति से अपने स्वगृह उत्तर प्रदेश के आगरा के पास केराना कपड़े का व्यापार करने वाले सदगृहस्थ अपने छोटे भाई और छोटे लड़के के साथ अटक गए हैं। उनकी पत्नी और 13 वर्षीय लड़की अपने रहवासी गांव में है। अपने पति की राह में आंखें लगा के बैठे हैं। घर का कर्ता आदमी किसी तरह फंस गया है, यह चिंता लगी है। लड़के के विरह से उसकी प्रकृति बिगड़ रही है। लड़का बार बार बोल रहा है, मुझे मम्मी के तरफ जाना है। आंखों से पानी निकल रहा है। वो जब से यहाँ आया तब से उदास है। मम्मी की दूरी की वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। उसके पिता ने प्रयत्न करने के बाद भी बालक खाना खा नहीं रहा। वहाँ पे कर्तव्य जो कर्मचारी है उनको भी इस बालक की दया आती है। तब जल्दी से जल्द अपने गांव भेज दिया जाएगा। इस प्रकार छुट्टी समझ निकाली जाती है। तब यह परिवार बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा है। हिंगनघाट से इनबीसीएन न्यूज़ के लिए रवि एनोरकर की रिपोर्ट।